गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे टेस्ट बुक पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे आप जैसा। और आज देख रहे हैं थोड़ी तबीयत डाउन है, ऐसे वायरल फीवर हो रखा है। वायरल फीवर हो गया मेरे भाई, देख रहे होंगे थोड़ा तबीयत। लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी भी क्लास को मेरे भाई मिस नहीं कर सकता, बिल्कुल मिस नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है वो भी आउट हो चुकी है। आपके साथ मेरे भैया ALP चल ही रहा है। हमारे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर हमको NTPC RPF आई चुकी है, उसके बाद हमें NTPC देखने को मिल रहा है, उसके बाद फिर हमें ग्रुप डी। तो आखिर कुल मिला के हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इतना हम कम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी। बट हमें अब ये अच्छा लग रहा है कि चलो उन्होंने जो वैकेंसीज का है वो दे रहे हैं, और 24 के बाद 25 में भी देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास नोटिफिकेशन साथ के साथ में आ रही है। तो दीपक चंद्रा जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रतीक तिवारी जी सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी का मेरे भैया स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे पास मेरे भैया यहाँ पर क्लासेज जो चल रही है, आखिरकार है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट, बट जो मेन है क्लास ही हमारे पास इम्पोर्टेंट ALP और हमारे पास टेक्नीशियन यहाँ पर। आखिरकार देखो मैं आपके लिए यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यहाँ पर RPF भी ले रहा हूँ मेरे भाई, मैं ग्रुप डी भी ले रहा हूँ, और जो एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। 7:15 पर गौरव सर आते हैं, फिर उसके बाद गरबा मैम आती है सुबह 8 बजे, फिर हमारे पास अमन सर 9 बजे, उसके बाद मैं खुद 10 बजे मेरे भाई मैथ्स के लिए आता हूँ। यहाँ पर कोई भी आपको मेरे भैया देखो यहाँ पर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। किस पर ये स्कैन करना है या आप हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे, ज्वाइन अवर टेक्स्ट बुक रेलवे टेलीग्राम हमारे पास ये है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा मेरे भैया, डेली लाइव क्लास PDF मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स PDF मिलेंगे, डेली क्विजेस मिलेंगे, लेटेस्ट एग्जाम इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज ई सब्जेक्ट्स, डेली क्लास लिंक मिलेंगे, सब्जेक्टिव प्रैक्टिस PDF मिलेंगे। ठीक है, चलो यहां से हम क्वेश्चनों की, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उठना पड़ेगा, बात सच है ना। देखो सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं ना, इसकी हम क्या देखते हैं कि मेरे भाई ये उग रहा है, आपने क्या देखा कि यार वो सफलता उसने प्राप्त कर ली, लेकिन सफलता पाने के लिए उसकी सर जॉब लग गई, सर उसकी रेलवे में जॉब लग गई। क्या तुमने उसकी जॉब के स्ट्रगल देखा है? क्या तुम सर ये कह रहे हो सर वो रेलवे में लग गया, सर वो यहां लग गया, क्या तुमने उसके स्ट्रगल को देखा है? तो स्ट्रगल के बगैर देखे हम मेरे भैया नहीं बोल सकते कि मेरे भाई उसने मेहनत नहीं करी। तो सबसे पहले किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेरे भैया मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, आ जाइए, यदि संख्या 648 by 68 से विभाजित तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? तो y का सबसे कम मान पूछ रहा है मेरे भैया, ये क्या कह रखा है हमारे पास यहां पर, सीधे सीधे मेरे से बोल रखा है, यहां पर क्या दे रखा है कि 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिएगा। यहां पर मिनिमम मान ज्ञात कीजिएगा, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिएगा। इफ द नंबर ये हमारे पास है डिविजिबल बाय 8, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, सबसे कम मान मेरे भैया क्या आएगा, तो बताइए इसका मान मेरे भैया क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट से फटाफट क्विकली एंड फास्ट रफ्तार के साथ। चलो बताइए मेरे भैया y का न्यूनतम मान क्या आएगा, y का मिनिमम मान क्या आएगा? तो देखो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरे का भाग देखे देखना, नहीं, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वो हमारे पास संख्या 8 से डिवाइड होगी। क्या कह रखा है, लास्ट 3 डिजिट, ये लास्ट 3 डिजिट, जब लास्ट 3 डिजिट मेरे भैया कितना है, जब अंतिम 3 अंक मेरे भैया लास्ट 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइड है तो मेरे भैया 8 से डिवाइड होंगे। ये क्या है लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम हमारे पास 3 अंक मेरे भैया कौन से देखना है, अंतिम 3 अंक, ये कौन से हमारे पास लास्ट 3 डिजिट है, ये लास्ट 3 डिजिट है, अंतिम 3 अंक है। यदि जो हमारे पास अंतिम जो हमारे पास 3 अंक है ना मेरे भाई, यदि वो 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये चीज आपको प्यार से मेरे भैया ध्यान में रखनी है। तो लास्ट 3 डिजिट, अब देखो सबसे न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस न्यूनतम वाला देखूंगा। तो ये हमारे पास लास्ट 3 डिजिट y4 y6, y की जगह सबसे न्यूनतम क्या है, बोले सर 1 है, सबसे न्यूनतम क्या बोले सर 1 है, तो ये हमारे पास मैंने y की जगह पर 1 रख दिया, ये हमारे पास 6 है, 8 से डिवाइड, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16 है, तो मेरे भैया बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, कितने रखने पर, 1 रखने पर। तो ऑप्शन ये हमारे पास सी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, और बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं जय श्री राम जी, प्रतीक जी हमारे पास, योगी जी, नीलम हमारे पास जी, बहुत ही जबरदस्त आंसर, बहुत ही गजब आंसर। और जब बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बताइए बात समझ में आ रही है, वायरल फीवर हो रखा है, तबीयत थोड़ी डाउन है, बट क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या कह रखा है, वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, वाई का न्यूनतम मान पूछ रहा है, वाई का मिनिमम मान, तो मेरे भैया वाई का मिनिमम मान जो आ जाएगा मेरे भाई क्या आ जाएगा, वो दिस इज 1 है, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट,
क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छे अच्छों के हाल उड़ गए। ये ग्रुप डी 69 सन 2022 के अंदर पूछा गया, ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन बना है। किसके अंदर बना हुआ? ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन सर जी क्वेश्चन इतना बड़ा कुछ भाई है ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं, केवल देखने में बड़ा है। और मैं हर बात कहता हूं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हर क्वेश्चन यदि मेरे भैया बड़ा है तो देखने में बड़ा है, तो जरूरी नहीं कि इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी हो और ये क्वेश्चन भी बड़ा हो, ये कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या कह रखा है, एक शैक्षिक संस्थान, क्या कह रखा है कि एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, एक आयोजन किया जा रहा है, यहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रम से 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाता है, समान संख्या में प्रतिभागी को जो है, जो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रत्येक हमारे पास बराबर बैठाया जा रहा है, और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। तो आयोजन के लिए आवश्यक कमरे की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिएगा। बताइए मेरे भैया, क्वेश्चन जितना बड़ा है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सोचने पर नजरिया है कि आपके पास इसका आंसर क्या आंसर बताएगा। सबसे अधिकतम नहीं पूछ रहा, सबसे न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। क्या कह रखा है कि आयोजन के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिएगा। अच्छा देखो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, यह कह रखा है 112, यही तो कह रखा है 112, 144 और 192, इसमें कॉमन क्या है? बोले सर 16, 16 85, 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 निम्मा 144 और 16 एकम 16 16 दूनी 32। अब यदि अधिकतम पूछता तो ये हो गया, न्यूनतम पूछ रहा है तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, 12 9 7, तो ये हमारे पास कितना बनना है, तो ये हमारे पास बन गया 16, 16 और 12 हमारे पास कितना बन जाएगा 28, तो ये 28 इसको केवल और केवल क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो 7 और 9 ये 12, तो हमारे पास 28 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा, 28 हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 28 28 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। यह हमारे पास रोहित दास पंडित जी मेरे भैया, बहुत जबरदस्त आंसर मेरे भैया, प्रतीक जी, सुनीता जी। तो देखने में जितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है, दोबारा समझ लेना। यहां पर इसमें कॉमन क्या है, कहने का मतलब हमारे पास 112, 144, 192 में ये हमारे पास यही तो दे रखा है, हमारे पास दे क्या रखा है मेरे भैया, ये दे रखा है हमारे पास 112, 144 और 192, यहां पर हमने क्या ले लिया, 16 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास क्या है, 16 सत्य हमारे पास 112, 16 नंबर 144, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 7 9 12 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 28 बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, दिस इज हमारे पास। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो जब रास्ते पर चलते चलते, जब हम रास्ते पर चलते चलते, जब रास्ते पर चल रहे हैं ना, और जब मंजिल का कोई ख्याल ना आए ना, तो समझ लेना कि हमारा रास्ता सही है, क्योंकि ख्याल उसी को आता है जो हमारे पास सही रास्ते पर नहीं होता है। ये एनटीपीसी हमारे पास 23/7/2021 शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन छोटा है, बताइए बताइए मेरे भैया, आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए, ठीक है, जो 12th है, या हमारे पास आईटीआई, क्योंकि टेक्नीशियन में मेरे भैया क्या मांगते हैं, क्योंकि आईटीआई हमारे पास पीसीएम वाले होते हैं, ठीक है, कौन से वाले, पीसीएम वाले मेरे भैया, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है मेरे भाई, मेहनत करते रहनी है, पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे मेरे भैया आप जैसा। निम्नलिखित में से किस युग की संख्या सह अवाज्य है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्या सह अवाज्य है, को प्राइम की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम, सह अवाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से ना कटे और ये स्वयं से ही भाग जाए, या जिनका एचसीएफ एक होता है, जिनका मासा एक होता है, क्या कहता है, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, ये ना तो किसी से दुश्मनी होती है ना किसी से मेरे भैया दोस्ती होती है, जिसका एचसीएफ एक आए, और एचसीएफ एक तभी आता है कि जब किसी में किसी का कोई भाग नहीं जाता है, जो स्वयं से डिवाइड होती हैं, जो स्वयं से डिविजिबल होती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है मेरे भैया, सह अवाज्य संख्या कहलाती हैं, वो हमारे पास को प्राइम संख्या कहलाती हैं। तो ये हमारे पास 28 और ये 81, ये 12 और 27, 21 और 56 और 36 और 20, तो देखो ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 9 36, 4 5 20, ये को प्राइम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 4 से और भाग जा रहा है,
तीन से भाग जा रहा है, तीन चौक 12 तेरह 27 को प्राइम हो ही नहीं सकते। सात से भाग जा रहा है ये हमारे पास मेरे भैया, इसका भाग किसी का नहीं जा रहा है। ये एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ ये हमारे पास कितना है, दिस इज वन। ये मासा हमारे पास इसका एक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 28 और हमारे पास 81। ऑप्शन ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा कि जिसका मासा कितना है मेरे भैया, तो ये जिसका मासा मेरे भैया एक है। जिसका मासा कितना है, जिसका एचसीएफ हमारे पास दिस इज वन है। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं मेरे भाई 12-27 क्यों होगा, मेरे भाई 12-27 क्यों होगा, 12 में तो 3 से ही भाग जा रहा है और यहां पर मेरे भैया 3 से भाग जा रहा है, 3 चौक 12 तेरह 27। मैं कह रहा हूं किसी का भाग और नहीं जाना चाहिए भाई। को प्राइम संख्या सहवा संख्या कह रहती है जिसमें किसी का भाग ना जाए, जो स्वयं से कटे और एक का भाग जाए, वो हमारे पास से अवा संख्या कहलाती है। दिस इज को प्राइम संख्या कहलाती है, को प्राइम संख्या कहलाती है। जस्ट इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है और स्टेज फर्स्ट में, सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है स्टेज फर्स्ट के अंदर मेरे भैया। क्या हमारे पास कब आया हुआ है मेरे भैया, इस सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है 4/1/2021 में भैया क्वेश्चन आया हुआ है। और सेम इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चंस कराया था वहां पर भी न्यूनतम पूछ रहा था, यहां पर भी। कोई बात नहीं प्रतीक तिवारी जी, इंसान से गलतियां होती, मशीनों से थोड़ी नहीं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। 24 आम के पेड़ किसके मेरे भैया, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़, 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। यहां पर जरूर ये बात जरूर कहेगा कि समान संख्या में होंगे, जैसे वहां पर भी देखो समान संख्या में प्रतियोगियों को बैठाया जा रहा था, ठीक है, समान की बात कर रहा है। तो क्या कह रखा है कि उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिएगा जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। बताइए मेरे भैया, 24 मैंगो ट्री, 24 आम के पेड़ है, 56 एप्पल ट्री, 56 सेब के पेड़ है, 72 मेरे भैया ऑरेंज संतरे के पेड़ है, आर बी प्लांटेड रोज, इनको सचे वे दैट रोज हैज इक्वल नंबर्स, किसमें इक्वल मेरे भैया समान इसमें बैठाया जा रहा है, समान मेरे भैया देख लो समान संख्या में पेड़ों को लगाया जा रहा है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर न्यूनतम मार रोज पंक्ति में इन विच एवर मेंटेन ट्रीज कैन बी प्लांट। तो बताइए न्यूनतम संख्या मेरे भैया बताइए। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इंपोर्टेंट है मेरे भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इंपोर्टेंट है मेरे भैया। देखो ये क्या कह रखा है, 24 तो आम के पेड़ है, 24 आम के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ है और 72 संतरे के पेड़ है, 72 संतरे के पेड़ है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 मेरे भैया संतरे के पेड़। अब यहां से इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले इसमें से कॉमन क्या है कि 24 जो 56 72 में, तो बोले सर 8, ये हमारे पास 8 + 24 8 + 56 और 8 × 72 यही तो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास मेरे भैया, बिल्कुल सीधे सीधे तो 8 × 72, ये कितना आ जाएगा 8 × मेरे भैया 72, बिल्कुल सही से आएगा। तो हमने यहां से 8 कॉमन ले लिया, 8 + 24 8 + 56 और 8 × 72। अब ये क्या कह रखा है, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिएगा, मिनिमम न्यूनतम संख्या। तो इसको हम जोड़ेंगे 7 + 3 = 10 और 9 = 19, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 + 3 = 10 और 9 = 19, तो 19 हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, 19 ही हमारे पास करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, बताइए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो। सर अलग से पढ़ाएगा यूट्यूब पर, नहीं देखो राम जी यहां पर सभी की क्लासेस चल रही है, यहां पर ये आपके लिए सभी के लिए इंपोर्टेंट है, बस केवल हमें अच्छे से पढ़ना। और देखो कोई भी चीज मैं आपको फिर कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन किसी के घर का नहीं है, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो महेश भाई मनोज शर्मा सर टेक्स्ट बुक आप यहाँ टेलीग्राम पर। कोई बैच परचेस करना है MGAUTM मेरे भैया, डेली क्लास हमारी यहाँ पर सुबह 10 बजे चलती है, डेली मॉर्निंग 10 AM चली रहा है। तो ये क्या, 24 आम के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ है, 72 संतरे के पेड़, तो यहां से हमने 8 कॉमन ले लिया, 8 + 24 8 + 56 8 × 72, तो 7 + 3 = 10 और 9 = 19, तुम्हारे पास न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 19, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आंसर आएगा, क्या कह रखा है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो ये क्या कह रखा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो
तो संख्या n स्क्वायर को, व्हेन द नंबर इज n डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 2, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 5, बताइए। तो देखो जब संख्या ही हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी सात एक सन 2021 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, और क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे, जब समझ में आए तो तब बोलना हम समासर बात समझ में आ रही है। क्या कह रखा है, जब संख्या एन को 5 से विभाजित किया था, पहले बेसिक समझो, जब कोई एक संख्या एन को, जब कोई एक संख्या है एन को 5 से विभाजित किया जाता है, तो जब कोई संख्या है एन को मेरे भैया 5 से विभाजित किया जाता है तो मेरे भाई क्या बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है। जब एन है हमारे पास, इसको 5 से भाग किया जा रहा है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। जब एन स्क्वायर को मेरे भैया, मतलब जब संख्या एन ही होगी, जब इसको मेरे भैया कितने से 5 से एन स्क्वायर, मतलब कि हमारे पास इसका स्क्वायर कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर बटे क्वेश्चन, ये डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी, रिमाइंडर बटे क्वेश्चन शेषफल बटे भागफल, रिमाइंडर बटे कोशियंट शेषफल बटे भागफल, ये हमारे पास ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है हमारे पास, शेषफल बटे भागफल, ये हमारे पास क्या है, ये शेषफल बटे भागफल, ये शेषफल बटे भागफल है मेरे भैया रिमाइंडर बटे कोशियंट। तो शेषफल कितना बच रहा है, बोले सर 5, ये हमारे पास कितना बच रहा है, शेषफल 2 बच रहा है। ये 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल 2 बचता है। तो ये 5 से भाग देने पर क्या कह रहा है, एन स्क्वायर, जो भी चेंजेस करना है उसके रिमाइंडर में करना है, शेषफल में करना है, एन स्क्वायर। तो यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 5, तो ये शेष वाला ही मेरे भैया, तो अंश वाला ही रिमाइंडर बचेगा, कितना आंसर आ जाएगा, दिस इज 4, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या बचेगा, देखो जब कभी भी हमारे पास, जब अंश हर से छोटा होगा, जब कभी भी न्यूमिनेटर डिम्यूनेटर से छोटा होगा तो हमारे पास न्यूमिनेटर वाला ही रिमाइंडर बचेगा, अंश वाला ही शेषफल हमारे पास बच जाएगा। सीधे सीधे बोल दिया, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, तो ये हमारे पास n स्क्वायर की बात कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना है, 4, 4 बटे हमें कितने से भाग दे रहा है, 5 से, तो रिमाइंडर हमारे पास ऑप्शन सी दिस इज 4 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल हमारे पास सही सही आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, जरा इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित मान का ज्ञात कीजिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, चलो जोड़ के बताओ। अब तुम इसको ऐसे जोड़ोगे ना मेरे भैया तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये क्या है हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 शिफ्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, स्टेज फर्स्ट में, शिफ्ट सेकंड के अंदर मेरे भैया स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। हाँ मैं पढ़ाऊंगा प्रणव जी, आपने MGAUTM कूपन को लगा के लिया है, MGAUTM कोई भी बैच परचेस करना है तो बिगर MGAUTM के मत लेना, क्योंकि यहां पर पर्सनल गाइडेंस मैं करूंगा और पूरी जिम्मेदारी मेरे भैया मेरी है सिलेक्शन की, क्योंकि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस किस समय पर आपको किस किस चीज के बारे में बताना है, ये सारी समस्या का समाधान कौन करेंगे, मनोज शर्मा सर करेंगे, सारी समस्या का समाधान मैं करूंगा मेरे भाई। बताइए देखो, अब देखो यहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, ऐसा नहीं आप 1, 2, 3, 4, ये को डॉट डॉट का मतलब है संख्या चल रही कहां तक गई, 31 तक, फिर 31 से 30, 29, फिर 1 तक। अब देखो यहां पर एक लॉजिक बताऊं क्या है, आप 1 से जोड़ना स्टार्ट किया और कहां तक गए, 31 तक गए, फिर तुमने 31 से रिटर्न किया और फिर कहां तक गए, तुम 1 तक गए, तुमने 1 से स्टार्ट किया और कहां तक गए मेरे भैया, तुमने 1 से स्टार्ट किया जोड़ना और कहां तक गए मेरे भैया, 1 से तुमने जोड़ना स्टार्ट किया और कहां तक गए मेरे भैया, आप मेरे भैया 31 तक गए और फिर हमारे पास फिर मेरे भैया 1 तक आ गए। इसका मतलब ये क्या कह रखा है हमारे पास, जहां से रिपीट हो रहा हो, जहां से हमारे पास ऐड कर रहा है वहां से रिपीट हो रहा हो, तो मतलब दिस इज, बस केवल जहां से रिपीट हो रहा है उसका स्क्वायर कर देना और आपका जोड़ निकल के आ जाएगा। तो बस 31 का स्क्वायर कितना है, 31 का स्क्वायर हमारे पास 961, ये 961 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा, 961 961 हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जहां से हमारे पास देखो रिपीट कर रहा है, जैसे 1 से लेके हम कहां तक गए, 31 31 तक गए और फिर 31 से हम कहां तक गए, दिस इज 1 तक गए, तो हमारे पास क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 961 961 बिल्कुल इसका सही सही आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताइए नहीं मनोज शर्मा सर कोई डाउट है, तो 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं, 31 तक, तो 1 से लेके कहां तक गए मेरे भैया, दिस इज 31 तक गए और 31 से फिर हमारे पास क्या कर रहा है, 1 तक जा रहा है, तो इस तरीका से 961 हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा।
चलो इसका आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय हुआ। अच्छा कितने वैलिड वोटों के कितने से 75% वोटों से क्या हुआ मेरे भैया, ये विजयी हो गया मतलब ये जीत गया, विजयी हुआ। क्या कह रखा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से, कितना 75% वैध मतों से विजय हुआ। कुल हमारे पास मेरे भैया इतने मतों में से 15% मत अवैध थे, मतलब 15% क्या थे इनवैलिड थे, इसका मतलब 85% वैलिड थे। 15% इनवैलिड है अवैध है, 15% अवैध है तो 85% वैध है। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों वोटों की संख्या कितनी है। तो यहां पर हमसे क्या कह रखा है, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट वॉन विद कितना 75% ऑफ द वैलिड वोट्स आउट ऑफ ए टोटल, हमारे पास इतने वोट से 15% बट इनवैलिड वोट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव बाय द बिगिनिंग कैंडिडेट। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना यहां से देखो टोटल हमारे पास वोट कितने, बताओ आंसर बताओ। 31 का स्क्वायर मेरे भैया कैसी बात कर रहे हो, 961 नहीं होगा 31 का स्क्वायर। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सारे के सारे निकलते स्क्वायर, हमेशा टू डिजिट में लिखते, 3 का स्क्वायर 9 है लेकिन हमेशा ऑलवेज टू डिजिट में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लेकिन टू डिजिट में लिखेंगे 01, 2AB 3×1=3, 3×2=6, 1 डिजिट छोड़कर हम ऐड करते हैं, 1 डिजिट छोड़कर लिखेंगे तो ये 169, तो 961 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। ये 961 बिल्कुल हमारे पास सही से आंसर है, बिल्कुल मेरे भैया घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्या कह रखा है, ये RPF SI के अंदर आया हुआ है, ये कांस्टेबल के अंदर नहीं है, तो लेकिन हमारे पास 19 में आया हुआ है, लेकिन 19 और 24 में अंतर है क्योंकि इसके दौरान हमारे पास कोविड भी आया भाई, कोविड आया तो हमारे पास मेरे भैया कोरोना आया। अब यहां पर इसकी वजह से कॉम्पिटिशन और बढ़ा है, कॉम्पिटिशन कम नहीं हुआ है क्योंकि लोगों को समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यूज क्या है, कि प्राइवेट जॉब कितनी निकाले गए, कितने घरों पर दिक्कतें आई कोविड में, कितने घरों में समस्याएं आई। हमारे पास इतने वोट हैं, हमारे पास टोटल वोट्स कितने हैं, तो बोले सर हमारे पास इतने वोट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या था, 75% वैलिड थे, कितना एक चुनाव में उम्मीदवार को 75% वैध मतों से विजयी हुआ, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, ये 25 थी 75 और 25 चौका 100, इसका कितना मेरे भैया, बोले सर 3/4 3/4, 75% का मतलब कितना है 75% का मतलब हमारे पास कितना, बोले 3/4 हमारे पास कितना, बोले सर 3/4, यही तो कह रखा है 75% की। यहां पर क्या हुआ कि 15% अवैध घोषित हुए, या तो 15% का निकाल लो या फिर तुम 85% कर दो, जैसे चाहो। जैसे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/20, क्योंकि परसेंटेज हटाए थे अपॉन 100 आता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, टोटल 20 थे और 20 में से 3 इनवैलिड है तो 17 वैलिड वोट होंगे, 17 वैलिड वोट होंगे, कितने में से टोटल 20 में से तो होंगे, टोटल 20 में से तो होंगे। या मैं ऐसा कर सकता था 15% इनवैलिड है, 15% इनवैलिड है तो 85% वैलिड होंगे, तो 85% हटाएंगे बटे 100, 5×5=35 और ये 5×2=10 और ये हमारे पास 17/20, 17/20 कितना हो जाएगा 17/20। अब मैं यहां से क्या करूंगा मेरे भाई, तो यहां से ध्यान देना, यहां से कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 4×2=8 और 8×7=56 और 8×7 क्या हो जाएगा 56, ये 7000, ये 17×3=51 और ये हमारे पास कितना है, बोले सर ये 7000, तो 7×7 और ये 7×5=35 और हमारे पास इसके आगे 3 0, तो इस तरीका से बिल्कुल हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कभी भी बड़े नहीं होते, लेकिन हाँ ये SI के अंदर बना है, सोचो सब इंस्पेक्टर तुम्हारे पास डायरेक्ट स्टार मिलेंगे, सोचो तुम्हारे कंधों पर डायरेक्ट क्या लगेंगे, स्टार लगेंगे। तो चीजों को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भावनाएं क्या है। तो क्या भावना है हमारी कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैधताओं से विजयी हुआ, कुल वोट हमारे पास इतने 15% अवैध थे तो 85% वैलिड होंगे, 15% इनवैलिड है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 में से 3 इनवैलिड है तो 17 वैलिड होंगे, तो इस तरीका से हमारे पास कितना हो जाएगा 0 से 0 4×2=8 8×7=56, दिस इज 7000 और ये हमारे पास कितना है मेरे भैया, ये 17×51 तो 51×7000 तुम्हारे पास इतना आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर,
ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या आएगा, आरआरबी एनटीपीसी 9-2 सन 2001 शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 9-2 सन 2021 स्टेज फर्स्ट और हमारे पास शिफ्ट वन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ये हमारे पास 0.2 प्लस 0.02 और ये माइनस हमारे पास कितना 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 माइनस 0.4 और ये हमारे पास इस तरीका से अपॉन 0.36। आपको बता दूं यहां पर क्या लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोले सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला ही तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ जरा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab यही तो हमारे पास यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरा बताइए मेरे भैया फटाफट से फटाफट एक बार जल्दी से जल्दी बताएं कि हमारे पास यूज क्या हो रहा है बताइए। वंस अगेन बताते हैं, अब देखो यहां पर ए क्या है, बोले सर ए हमारे पास काम कर रहा है 0.2 और बी क्या 0.02। वायरल फीवर है मेरे भाई लेकिन मैंने बोला मैं क्लास लूंगा भाई, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी हेल्थ से ज्यादा तुम्हारी स्टडी जरूरी है और यह चीज तुम्हारा भाई सिद्ध करके दिखा रहा है। देख सकते चेहरे पर थोड़ा रेड हो रहा होगा, तबीयत थोड़ी डाउन। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये हमारे पास a माइनस बी मतलब 0.2 माइनस के 0.02 का होल स्क्वायर करेंगे। अब तुम 0.2 में से हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये चीज ध्यान रखना। पॉइंट जीरो ये देखो ये 0.012 है, देखो यहां पर मेरी बात समझना, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a हमारे पास कितना है 0.2 और b कितना है 0.02 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास कितना जाएगा 0.02। अब हमारे पास इधर कुछ नहीं है तो एक तो 10 में से 2 जाएगा तो दिस इज 8 और यहां पर कितना बच जाएगा एक, तो 0.18 आ रहा है। कितना आ रहा है बोले सर हमारे पास, दिस इज 0.18, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो बोले सर हमारे पास आ जाएगा पॉइंट दिस इज 18 क्योंकि 0.2 में से 0.02 हटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 8 और यहां पर 1 तो 0.18 बचेगा। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है तो a माइनस बी मेरे पास ये आ गया, इसका स्क्वायर करना है तो दिस इज हमारे पास 0.18 द्वारा करना पड़ेगा और ये 0.3 हमारे पास कितना है ये 36। अब मैं भाई मैं या तो ऐसे करूं कि इसका गुणा कर दूं 18 और ये चार अंक बाद पॉइंट लगा दूं, या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट 18 2 36 और 2 ने 18। अब यहां पर कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो यहां पर 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 0.09 हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया। जैसे तुम चाहो वैसे कर सकते हैं, जैसे तुम चाहो मेरे भैया वैसे कर सकते हैं, यहां पर मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है मेरे भाई, यहां पर मेरी बात समझने की जरा कोशिश करना, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं मेरे भैया कि यहां पर 2 अंक बाद ही पॉइंट लगेगा। कितने अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो हमारे पास पॉइंट से पॉइंट यहां 2 था, यहां पर इस तरीका से कर सकते हैं, आंसर आना चाहिए। आपको लगता है सर पहले 18 का स्क्वायर कर लो, देखो आपको 18 का स्क्वायर बिल्कुल नहीं आता, a प्लस बी के अनुस्कार से निकाला करो, ये a मानो और b मानो, मैं आपको स्क्वायर निकालना बता रहा हूं और हमेशा कितने डिजिट में लिखना होता है, ऑलवेज 2 डिजिट में। a का स्क्वायर कितना है, देखो a मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन ऑलवेज कितने डिजिट में, 2 डिजिट में लिखेंगे, ऑलवेज कितने डिजिट में बोले सर 2 डिजिट में लिखेंगे, दिस इज 0.1 और ये कितना हमारे पास बी स्क्वायर, तो हमारे पास बी स्क्वायर मतलब दिस इज हमारे पास 64 64, तो ए स्क्वायर मतलब 0.1 बी मतलब 64 2ab, तो 8 8 8 2 16 एक डिजिट छोड़कर यहां पर कितना लिख देंगे हम 16, एक डिजिट छोड़कर हम लिखेंगे ये कितना हो जाएगा 8 8 8 8 2 16, ये 4 हो गया, 6 और 6 12 एक कैरी के लिए 2 और 1 3 तो 324। कितने अंक बाद मेरे भैया, बोले सर 4 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमने 4 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट दिस इज हमारे पास 36। आप बताइए तो यहां पर हमारे पास 4 का इसको गुणा करेंगे 6 6 24, अब हमारे पास कितना है 9 का, तो 9 6 54 और हमारे 9 3 27 और हमारे पास 5 32, इस तरीका से हमारे पास ये 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद और पॉइंट लगा देंगे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.09 हमारे पास 09 करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेडिकन खाली है मेरे भैया, मैंने मेडिसिन ले ली है मेरे प्रतीक तिवारी जी, बस पढ़ो पढ़ो अच्छे से, हाँ प्रतीक जी मैंने मेडिसिन ले ली है, तो इस तरीका से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको अच्छे से चीजों को मेरे भाई जानना है।
आपको चीजों को अच्छे से मेरे भैया पहचानते रहना है और मुस्कुराते रहना है। क्या कह रखा है देखो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 7, 2 की पावर 2, 3, 5 की पावर, और ये हमारे पास का लासा ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना? लासा ज्ञात करना है। लासा कहता है जो सबसे बड़ी पावर है, एलसीएम क्या कहता है, जो सबसे बड़ी पावर है वो लेना है, और जो बच जाए उसको भी हमें बाद में लेना है। यहां पर फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो बताइए हमारे पास फाइंड एलसीएम आउट, तो यहां पर क्या है हमारे पास? एलसीएम ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। लासा कहता है जो सबसे बड़ी पावर है, जो हमारे पास, क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन, देखो लासा और मासा का अंतर होता है। मासा कहती है मैं सबके अंदर जाऊंगी, लासा कहता है तुम मेरे अंदर आओ। क्यों? क्योंकि जो सब में भाग जाता है, सबसे ऐसा छोटा देखते ना एचसीएफ, जो सबके अंदर वो एंट्री हो। मासा कहता है सब, मासा कहती है सबके अंदर जाऊंगी, लासा कहता नहीं मैं किसी के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे अंदर आओ। हमेशा लासा बड़ा होता है मेरे भैया और मासा छोटा होता है। देखो यहां पर मासा लासा क्या है, जो सबसे बड़ी पावर वाला है। तो यहां पर देखो 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है, तो 2 की पावर 2 ले लिया। इसके बाद 2 तो कैंसिल, 3 की पावर 3, यहां 3 है और यहां पर 3 है, तो सबसे बड़ा क्या है? 3 की पावर 2। अब क्या बच रहा है? दिस इज हमारे पास 5 की पावर 2 5 है, तो यहां पर सबसे बड़ा क्या बोले सर? 5 की पावर 2। और उसके बाद क्या है? दिस इज हमारे पास 7 बस। अरे भैया सबसे बड़ा क्या है यहां पर? 2 की पावर 2 है। फिर उसके बाद क्या? 3 की पावर 2 है। उसके बाद क्या है? दिस इज 3 की पावर 2। उसके बाद 5 की पावर 2 है। उसके बाद क्या है? दिस इज हमारे पास 7 ही तो है। अब बताइए इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा? अब आपके पास इस तरीका से आंसर नहीं दे रखा, अब आपके पास जो आंसर है वो इस तरीका से नहीं दे रखा है कि इस तरीका से मेरे भैया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहां पर 5 की पावर 2 और 7, नहीं, यह खोल के दे रखा है। 2 × 4 3 × 9 5 × 25 और यह हमारे पास दिस इज कितना है बोले सर? 7। यही तो आएगा कि नहीं आएगा बताइए। देखो ये 25 × 4 100, ये 9 × 7 63, 63 और हमारे पास 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6300। ये हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा करना भी सीखना है, ऐसा नहीं कि तुमने लिया और 9 और 4 का गुणा कर दिया, 25 और 7 का गुणा कर दिया, फिर तुम इनको आपस में गुणा करते रह रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। आपको ये देखो क्या हो रहा है, तो ये देखो 25 × 4 तो दिस इज 100 और ये 9 × 7 दिस इज 63 और 63 × 100 तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 6300 बिल्कुल इसका सही सी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? तो आप बोलेंगे मनोज शर्मा सर 6300 हमारे पास बिल्कुल इसका सही सी आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी प्रकार का मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन को कोई डाउट होगा। क्लियर है ना? प्रतीक तिवारी जी कह रहे हैं, यहां पर रोहितास जी कह रहे हैं और विनय पाटिल जी कह रहे हैं। मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करो, मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करो मेरे भाई, ऐसे कैसे बात बनेगी बताओ, ऐसे कैसे बात बनेगी मेरे भाई। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, आरआरबी एमटीपीसी 29/1/2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से इस सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है? कब मेरे भैया? सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और हमारे पास स्टेज फर्स्ट में आया हुआ है। क्या कह रखा है? चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे, जिससे बजट जो है हमारे पास समान रहे। इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20% वाई व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन ऑफ टी एट होम बी रिड्यूस सो दैट द बजट रिमेंस द सेम। ये मेरी बात समझने की जरा कोशिश करना मेरे भाई, कि जब कभी भी हमारे पास ये क्या कह रखा है कि बजट समान रहे, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट रहे। जब कभी भी खर्च समान होता है तो कीमत और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्पन्नपाती होते हैं। कौन? प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। क्या? प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मार धाड़ के लिए खड़े रहते हैं। यह चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट होगा, नेतांक होगा, क्या होगा? एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट होगा तो प्राइस और क्वांटिटी, कीमत और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? मार धाड़ के लिए खड़े रहते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास? उल्टे होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जब प्राइस कांस्टेंट होगा, नेतांक होगा, जब हमारे पास खर्च नेतांक होगा, प्राइस क्वांटिटी हमारे पास खर्च नेतांक होगा, तो कीमत और मात्रा उल्टे होंगे। ये क्या कह रखा है कि 20% की वृद्धि होती है प्राइस में, क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100।
डिमिनेटर हमेशा 100% होता है और अंश उसी का उतना परसेंट होता है जितना परसेंटेज दे रखा है। तो प्राइस की बात कर रहा था, तो कीमत की, तो हमारे पास पहले 5 था, जब 1 की बढ़ोतरी कर रहा है तो 6 हो गया। जब कीमत हमारे पास कितना था, 5 था, जब 1 की बढ़ोतरी कर रहा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कीमत हमारे पास 6 आ जाएगी। तो प्राइस पहले 5 था, जब 1 की बढ़ोतरी तो 6। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब देखो खर्च समान होगा, इनका प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है, कीमत और मात्रा का गुणा करते हैं तो खर्च निकलता है 5×6 = 36। खर्च समान है, क्या कह रहा है, कीमत में बताइए कितने की कमी हुई, पहले 6 था, 6 से 5 पर आए, कितने की कमी, 1 की कमी, कितने से 6 से परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाइड है, 2 से काटा 50 बार और 2 से काटा 3 बार, 50/3 का मतलब है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा, 16 सही 2/3%, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन भी हमारे पास बिल्कुल इसका सही से आंसर। बताइए यहां तक किसी भी प्रकार का मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन को कोई डाउट तो नहीं है, तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर के चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ये सीधे सीधे बोल दिया ना, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। तो 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये डिमिनेटर 100% है और अंश उसी का उतना परसेंटेज जितना परसेंटेज दे रखा है। 5 से 1 की बढ़ोतरी हो रही है तो दिस इज 6। प्राइस और क्वांटिटी, कीमत और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 6:5। 6 से 5 पर गए, 1 की कमी, कितने से 6 से परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई अंडर 50/3, 16 सही 2/3%, बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तुम्हें स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से करना, तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, MGAUTM कूपन को लगा के आपको मैं बताता हूं इसको कैसे लेना है। आप हमारे टेक्स्ट बुक यहां पर जाएंगे, आप कहां पर मेरे भैया, गूगल पे, या आपके पास हमारा एप्लीकेशन है तो वहां पर, फिर वहां पर आपके पास क्या करना है कि आपको मेरे भैया वहां पर सुपर कोचिंग पर जाना है, फिर वहां से आपको रेलवे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपके लिए मैं वो सारी चीजें बताऊंगा बिल्कुल अभी धीमे धीमे, उन पर भी मैं आपके सामने बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर हम बात करते हैं और भी क्वेश्चनों की। क्या कह रहा है, जरा आंसर बताओ, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, एक्स तथा वाई की जो प्रेजेंट एज है, जो वर्तमान आयु है, वो कितने वर्ष है, बोले सर 2:1 के अनुपात में, 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद, तो बोले सर 14 ईयर्स के बाद, कितने वर्ष के बाद, बोले सर 14 वर्ष के बाद जो अनुपात होगा हमारे पास 29:18 होगा, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई 2:1, आफ्टर 14 ईयर्स द रेशियो देयर एज इज विल 29:18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। ये RRB NTPC 19/4/2016 सेकंड थर्ड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। बताइए, एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आज के बाद तुम कभी भी नहीं भूलोगे उसको, आज एक ऐसा मेथड के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। प्रतीक जी, चिराग जी, मेरी बात को सुनना, मेरे भैया विनय जी, देखो एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, एक्स और वाई कितना दे रखा है, बोले सर 2:1 है। एक्स और वाई की जो अनुपात दे रखा है हमारे पास मेरे भैया, कितना दे रखा है, प्रेजेंट एज का 2:1 है, 14 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 29:18 हो जाता है। कितना हो रहा है, 29:18 हो रहा है, कितने वर्ष के बाद, 14 वर्ष के बाद। यहां पर जो इनका डिफरेंस है ना, 1 से 18 पर जा रहा हूं 17 वर्ष बाद हो रहा है, 2 से 29 पर जा रहा हूं 27 वर्ष बाद हो रहा है, इसका मतलब सेम डिफरेंस नहीं है, 1 से 18 पर जा रहा हूं 17 वर्ष बाद और यहां से हमारे पास जा रहे हैं 2 से 29 पर 27, नहीं, डिफरेंस समान नहीं। डिफरेंस समान कैसे करना है, तो देखो डिफरेंस जब समान नहीं हो तो इनके बीच का अंतर देखो, 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 29 और 18 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, 29 और 18 में कितने का डिफरेंस है मेरे भैया, 11 का अंतर है, तो क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास कितने का गुणा हो जाएगा, या 11 का गुणा हो जाएगा, यहां पर कितने का गुणा हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 और हमारे पास कितना है, 11 × 11, ये 29 × 29 और हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझना, जब हमारे पास डिफरेंस समान नहीं हो तो हमें डिफरेंस समान करना है, जब अंतर समान नहीं हो तो हमको अंतर समान करना है, यहां पर हम बीच का अंतर देखेंगे, या 1 का अंतर है 11 का अंतर, तो यहां पर 11 का करेंगे, 11 × 22 11 × 11 या 29 × 18, तो जब हमारे पास 11 से 18 पर जा रहा है 7 बढ़ रहा है, हमारे पास यहां पर 7 साल बाद, 7 साल बाद नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने साल की बात कर रहा है, 14 साल,
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सात की वैल्यू 14, तो एक की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2 कैसे, 14/7, तो एक की वैल्यू दिस इज 2 आ जाएगी, 14/7, तो एक की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई भैया, बोलो एक की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई। हाँ जी, जो एक की वैल्यू 2 आ गई तो इनके वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है, तो x की तो 22 साल है और y की 11 है, तो इनका अंतर कितने का, बोले सर 11 का, और एक की वैल्यू 2 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 साल, तो बोले सर 22 ईयर से हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन है हमारे पास, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इतना बात, और यह हम एक काम कर सकते कि इनका अंतर देखो कितने का, 11 का, तो 11 का मल्टीपल कौन सा, बोले सर हमारे पास 22, इस तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सीधे सीधे हमारे पास दे देखना है। अब बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि हमारे पास 2x + 14x + 14 बराबर हमारे पास कितना कर देंगे, 29/18 कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर तुम्हें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन से बचना है। देखो आपको आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को निकालना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन विद इन टाइम पीरियड क्या तुम क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, क्या तुम उस क्वेश्चंस को जान पा रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अहम भूमिका की बात है और अहम भूमिका रखता है। तो एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, और कितने वर्ष बाद, 14 वर्ष के बाद 29:18 है, तो यहां पर डिफरेंस 1 का, यहां पर अंतर 11 का है, तो 11 का गुणा किया, 11 × 2 = 22, 11 × 11 = 11, यहां पर 29 × 29 = 18, तो 11 से 18 पर जाएंगे 7 साल बाद, और यहां पर 22 से 29 पर 7 साल बाद, 7 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू 2, तो यहां पर कितने का अंतर 22 और 11 में, 11 का, 1 की वैल्यू 2, तो 11 की वैल्यू दिस इज 22, 22 ईयर्स, बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। यहां तक इतनी बात मुझे लगता है सभी मेरे दोस्त मेरी भाई बहनों को बिल्कुल क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट तो नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन देखने मेरे भैया आपको छोटा है, और ये हकीकत में बहुत ज्यादा छोटा है, केवल लैंग्वेज तुमको इसकी फसाई से दिखाई दे रही होगी कि लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारे लिए घुमा रही है। बताइए इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट से फटाफट हमारे सभी के सभी दोस्त हमारे भाई बहन जल्दी से जल्दी इसका एक बार आंसर बता देंगे, जल्दी से जल्दी, क्योंकि फास्ट रफ्तार के साथ मैं वही कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन ईजी है मेरे भाई, फटाफट से फटाफट एक बार जल्दी से जल्दी हमारे सभी के सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आंसर आ जाएगा। देख लो क्या कह रखा, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था, तो दिस इज हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या था, वाई सेलिंग एन आर्टिकल मदन अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 of its cost price if he sold it for 375, what was the purchase price? What is the purchase price? क्या कह रखा है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के एक चौथाई भाग के बराबर लाभ अर्जित किया क्रय मूल्य के, तो जो कंफर्मेशन होता है जिसकी बात कर रहा है वो डिमिनेटर वाला, किसके क्रय मूल्य के, तो सीपी ये हो गया हमारे पास 4, और ये क्या हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हमारे पास लाभ हो रहा है। जब हमारे पास सीपी 4 है और जब 1 का लाभ हो रहा है तो कितने बेच रहा है, तो हमारे पास पांचम बेच रहा है, कितने बेच रहा है मेरे भैया, पांचम बेच रहा है। क्या कह रखा है कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया, क्रय मूल्य के 1/4, तो सीपी हमारे पास कितना है 4, और 1 क्या हमारे पास प्रॉफिट है, लाभ है, तो पांचम बेच रहा है, लेकिन पांच में नहीं मेरे भैया, कितने में, बोले सर 375 में, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 75/35 और 55/25, तो 1 की वैल्यू 75, तो 375 / हमारे पास 5, तो ये कितना हो जाएगा 75/35 और 55/25, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 75 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू जो हमारे पास 75 आ जाएगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भैया, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5×20 2 कैरी के लिए, 7×28 और 2 हमारे पास ये 30, तो 300 ऑप्शन से हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा, 300 हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा, 300। बताइए इतनी बात क्लियर है हमारे पास, बेने पातल जी, प्रतीक जी, रोहितास जी, क्लियर, यहां तक किसी को डाउट, तो सीधे सीधे यहां से बात आ गई कि यहां पर हमारे पास एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 भाग के बराबर लाभ अर्जित किया, 1/4 भाग के बराबर लाभ मेरे भैया क्या किया है, अर्जित किया है मेरे भैया, तो सीधे सीधे सीपी हमारे पास ये, और सीपी का मतलब है दिस इज हमारे पास क्रय मूल्य, ये सीपी क्या कह रखा है, क्रय मूल्य, यही तो कह रखा है हमारे पास, सीपी क्या है, क्रय मूल्य, और ये एक का क्या कर रहा है भैया, ये प्रॉफिट है, यही तो कर रहा है, एक का लाभ है, तो सीपी 4 है, एक का लाभ, तो पांच में बेच रहा है, इस तरीका से हमारे पास बिल्कुल सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। देख रहे हो था इस क्वेश्चन के अंदर कुछ, क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कुछ, मेरे को बता दो कि नहीं, मनोज शर्मा सर ये था, बस ये बता दो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया था कि इतने की वृद्धि कर रहा है, उस तरीका से
क्या कर रखा है, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। इससे एक दिन थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था मैंने, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है, ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन 3,000 रुपए की वृद्धि करने पर, प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि करने पर, ऐसा नहीं कि खाली ए में वृद्धि 3,000 करी है या अकेले बी में वृद्धि खाली 3,000 करी है, 3,000 दोनों में करी है, ए में भी हमारे पास वृद्धि जो इंक्रीज की है 3,000 की है और बी में भी हमारे पास 3,000 की इंक्रीज की है, ठीक है। तो ये क्या कर रखा है कि उनके वेतनों का नया अनुपात कितना हो जाता है, 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिएगा, वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिएगा, द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी 3:4। Why increasing the salaries of A and B by 3,000 each? The new ratio of their salaries becomes 18:23. Find the salary of A after the increase. After the increase. बताइए मेरे भैया, after the increase. यहां पर मेरे भाई जब डिफरेंस समान नहीं होगा तो अंतर को हमें समान करना पड़ेगा, यह चीज तो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखनी है। ए और बी के वेतनों का अनुपात, ए और बी के वेतनों का अनुपात मेरे पास कितना दे रखा है, बोले सर 3:4 है, यही तो कह रखा है कि ए और बी के वेतनों का अनुपात मेरे पास कितना दे रखा है मेरे भैया, तो सीधे सीधे मैं यहां से बात कर रहा हूं 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। प्रत्येक में 3,000 की वृद्धि के बाद अनुपात कितना हो जाता है, बोले सर 18:23 हो जाता है, 18:23 हो जाता है। 4 से 23 पर जा रहा हो तो 19 की वृद्धि हो रही है, यहां पर हम 3 से 18 पर जा रहे हैं 15 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब डिफरेंस समान नहीं है मेरे भैया। अरे मैं 4 से 23 पर जा रहा हूं मेरे भैया कम, यहां पर हमारे पास फिर कम, इसका मतलब डिफरेंस को समान करना है तो कैसे अंतर समान कर सकते हैं। इनका अंतर देखो 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, और यहां पर देखो कितने का अंतर है मेरे भैया 5 का, तो इस डिफरेंस को समान करना है, 5 का गुणा किया तो 5 × 3 = 15 और ये 5 × 4 = 20, और यहां पर कितने का गुणा किया, यहां पर ऊपर 1 का है तो यहां पर 1 का 18 × 18 और 23 × 31। इसका मतलब जो डिफरेंस है ना मेरे भैया, हमें क्या करना है, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या करना है, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 5 का अंतर है, तो ऊपर मैंने 5 का गुणा किया, ये क्या 5 × 3 = 15 = 5 × 20, ये हमारे पास 1 × 18 = 18 = 23 × 31। यहां से 20 से 3 पर 23 पर जा रहे हैं 3 की वृद्धि हो रही है, 15 से 18 पर जा रहे हैं 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि नहीं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3,000 की वृद्धि हो रही है, यहां पर 3 की वृद्धि नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3,000 की वृद्धि हो रही है, मेरी बात जरा समझने की कोशिश करना मेरे भैया, 3 की वृद्धि नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने की, यहां पर 3,000 की वृद्धि हो रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी, 1 की वैल्यू 1,000 आ जाएगी, क्योंकि 3 की वैल्यू 3,000 तो 1 की वैल्यू 3,000/3, तो 1 की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 1,000 आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहां पर 3,000 आ जाएगी, क्या इतनी बात क्लियर है। जब 1 की वैल्यू 3,000 है तो क्या पूछ रहा, 1 ही हमारे पास, ये नहीं पूछ रहा 1 ही आए तो मैं 15,000 बता देता, लेकिन इंक्रीज होने के बाद तो 18 हो रही है ना, इंक्रीज होने के बाद 18 हो रही है, इसलिए आंसर कितना आंसर आ जाएगा 18,000 पता है। बहुत से दोस्त इसमें 15,000 होता ना ऑप्शन, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 15,000 आंसर लगा के आ जाते, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं, बताइए वो कभी पढ़ते ही नहीं कि यहां पर क्या कर रखा है। देखो क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वो क्वेश्चन है कि जहां पर मेरे भैया अच्छे अच्छे दोस्त इन सभी क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या मेरे भाई इसको हम इस तरीका से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बड़े होते हैं और उनको कभी समझ में नहीं आता है, उनको यहां पर हमेशा ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है इस बात को छोड़ देते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भैया, आपको ना पढ़ना है अच्छे से, आपको चीजों के बारे में जानना है, और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, मेहनत हमेशा हमको करनी है मेरे भाई। तो ये क्या कह रखा है, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है, ए और बी दोनों में से मेरे भैया कितना होता है, प्रत्येक के वेतन को 3,000 की वृद्धि कर रहा है, तो यहां पर मेरे भैया 20 से 23 पर जा रहे हैं, कितने पर, 20 से 23 पर जा रहे हैं, यहां पर 3 की वृद्धि, 3 की नहीं यहां पर 3,000 की, 1 की वैल्यू 1,000, तो 1 के वृद्धि के बाद इस तरीका से हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा। आरआरबी हमारे पास क्या है, पैरामेडिकल एग्जाम्स 20/7/18 थर्ड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत हमारे पास 6 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 8, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 6 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स इज 9, फाइंड दोज 3 नंबर्स। देखो इसको चाहो तो तुम बेसिक से कर सकते हो, चाहो तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, चाहो तो बाई ऑप्शन भी, देखो
जो एवरेज का मतलब होता है वो रियलिटी में सिंगल पर्सन का होता है, एक व्यक्ति का होता है। जो औसत का मतलब होता है, जो हमारे पास एवरेज का मतलब होता है, जो हमारे पास एवरेज औसत, वो दिस इज सिंगल पर्सन का होता है। और टोटल का मतलब होता है नंबर इनटू एवरेज। जैसे पांच दोस्त किसी होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं और प्रत्येक पर 100 रुपए खर्चा हो रहा है, वो एवरी पर 100 रुपए खर्चा हो रहा है, दिस इज वो एवरेज, प्रत्येक पर 100 रुपए खर्चा। लेकिन टोटल हमारे पास पांच व्यक्ति है, 5 × 2 तो दिस हमारे पास टोटल। तो टोटल बराबर क्या होता है कि जितनी संख्या है और यदि हम एवरेज में गुणा कर देंगे तो वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कुल निकल के आ जाएगा। टोटल बराबर नंबर इनटू एवरेज, कुल बराबर संख्या गुणा औसत। बेसिक से करना चाहो तो चल सकते हैं, 3 संख्या मैंने एबीसी ले ली तो ये हमारे पास एवरेज कितना है 8, तो टोटल कितना बनेगा 24। पहली 2 संख्याओं का ए और बी का 6 एवरेज है तो टोटल कितना बनेगा 6 × 2 = 12। अंतिम 2 संख्या बी और सी एवरेज कितना 6 है, टोटल कितना बनेगा 6 × 2 = 12। क्या बात क्लियर है? एबीसी 3 संख्या और एवरेज कितना 8, तो टोटल कितना बनेगा 8 × 24। पहली 2 संख्या है तो एवरेज कितना 6 है, तो टोटल कितना बनेगा 6 × 2 = 12। अंतिम 2 संख्या है तो एवरेज कितना है, बोले सर हमारे पास मेरे भैया कितना है, बोले सर 18। 18 हमारे पास क्या बन रहा है, नहीं तो ये हमारे पास कितना है 9 × 9 = 18। बोले ये बनेगा, बोले हाँ जी सर। और तुमने कितना लिख रखा है यहाँ पर, 12 लिख रखा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 18 ही तो लिखेंगे, क्योंकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है तो 9 × 2 = 18। अब तुम बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो, देखो यहां से ए कितना निकलेगा, ए कितना निकलेगा, तो बी और सी कितना है 18, तो 24 में से 18 जाएगा तो ए कितना बचेगा, 6 बचेगा, बी कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा। मेरी बात समझना, ए कैसे निकाला, ए बी सी टोटल कितना है 3 × 24 और बी और सी 18 है तो 24 में से 18 जाएगा तो ए 6 बचेगा। ए और बी कितना है 12, ए और बी कितना है 12, तो जब हमारे पास यहां पर 12 है और ये 24 है तो ये सी कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 और 6 18 है, टोटल कितना है हमारे पास 24 और 24 में से 18 जाएगा तो बी कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 × 6 = 12 ऑप्शन डी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, 6 × 6 = 12 ऑप्शन डी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, 6 × 6 = 12 ऑप्शन डी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। बोलो बात इतनी क्लियर है कि नहीं? तो 6 × 6 = 12 बिल्कुल इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। या मैं अब ऐसा कर सकता हूं मेरे भाई, तो मेरी बात समझने की जरा कोशिश करना, ये क्या कह रखा है, ये देखो इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। एवरेज का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत हम कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर। ये एवरेज बराबर ही तो हो गया सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर, यही तो हो जाएगा। तो ये हमारे पास औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 6 × 6 = 12, 12 × 12 = 24, 24 / 2 तो ये हमारे 24/3, तो एवरेज तीनों संख्या को 8 आ गया। पहली 2 संख्या कितनी, 6 × 6 = 12, 12/2 तो हमारे पास 6 आ गया। अंतिम 2 का 18/2 तो 18, ये हमारे पास 12 × 6 = 18, 18/2 तो मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 9। पहली देखो 3 संख्याओं का एवरेज 8 था, पहली सॉरी 3 संख्याओं का एवरेज 8 था, पहली 2 का 6 था, अंतिम 2 का 9 है, तो इस तरीका से वेरीफाई। बताइए क्या बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? वायरल फीवर हो रखा है मेरे भाई, वायरल फीवर हो रखा है मेरे भाई, तबीयत देख रहे हो बिल्कुल एकदम खराब सी चल रही है। लेकिन हमने कहा था हमें पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना है, पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे रोई आप जैसा, पढ़ेंगे मेरे भाई तभी मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। बस केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई मेहनत ही हमें, देखो मेहनत वो चीज़ है जो कि मेरे भाई हमेशा मेरे भैया रंग लाती है। RRB ALP हमारे पास एंड टेक्नीशियन 21/18 सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। How much should be added 4/5 to get 5/4? 4/5 में कितना जोड़ा जाए? 4/5 में कितना जोड़ा जाए? मुझे नहीं पता कितना जोड़ा जाए कि मुझे जो प्राप्त होगा वो मुझे 5/4 प्राप्त होगा, 5/4 होगा। 4/5 में कितना जोड़ा जाए, 4/5 में कितना जोड़ा जाए, तो मैंने मान लिया x जोड़ा जाए, कितना प्राप्त हो रहा है, 5/4 प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं यहां से, 5/4 माइनस के 4/5, एलसीएम 4 और 5 का 20, 20/4 = 5 और ये हमारे पास 5 × 25, ये 25/5 = 4 और ये 4 × 16 है, तो 25 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 9, ये 9/20 9/20 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। 9/20 9/20 ऑप्शन भी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक किसी भी कोई मेरे भैया डाउट तो नहीं है? तो यहां पर 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त होगा, तो x बराबर हमारे पास कितना है मेरे भैया, तो 5/4 में से मेरे भैया 4/5 = 20 और ये 4 × 5 = 20, 5 × 25 = 5, 4 × 16 =
25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9/20। क्या इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट, किसी प्रकार का किसी को डाउट है तो बताइए कि मनु शर्मा सर हमें यहां तक मेरे भैया डाउट है। मुझे लगता है किसी भी प्रकार का यहां तक मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन को कोई भी डाउट नहीं होगा। बताइए मेरे भैया किसी को डाउट? ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा है? अभी कितना कार्य शेष बचा हुआ है? ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। समान कार्य कितने दिनों में? 12 दिनों में। बोथ देम टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 दिन साथ में काम करते हैं, हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट। तो अभी भी शेष काम कितना बचा हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये सिर्फ हमारे पास स्टेज फर्स्ट के अंदर नहीं, स्टेज 2 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भैया, और 14/6/2022 और सेकंड शिफ्ट मेरे भैया। ठीक है, देखो क्या कर रखा है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो आप बोले सर 24 दिन में कर सकता है, ये क्या मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास समय है। ये क्या कह रखा है कि 2/5 काम भी कितने दिनों में कर रहा है, यही तो कह रखा है। ये मेरे से कह रखा है कि 2/5 काम भी कितने दिनों में कर रहा है, तो बोले सर 12 दिनों में कर रहा है। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, 2/5 काम भी 12 दिनों में। अच्छा देखो यहां से मुझे एक भाग निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये 2/5 काम में एक भाग निकालना है, पलट जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो 2 × 6 = 12 और 6 × 5 = 30। तो इसका मतलब ए किसी काम को मेरे भैया कितने दिनों में कर सकता है, तो मैंने यहां पर सीधे सीधे आपको बता दिया कि यहां पर मेरे पास सीधे सीधे निकाल रहा है कि 2/5 काम भी ये हमारे पास मेरे भैया कितने दिन में, बोले सर हमारे पास 12 दिन में। तो लेकिन मैंने क्या बोला, ए की 24 ही आ रही है और बी कितने दिनों में आ रहा है, तो बोले सर 30 दिन में, क्योंकि यहां से मैंने निकाल दिया 2 × 6 = 12 = 6 × 5 = 30। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम है, ये मेरे पास समय है। यहां से एलसीएम किसकी तरह काम करेगा, एज अ टोटल वर्क, तो 120 इसका एलसीएम आ गया। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, इफिशियंसी, यहां से हम क्षमता, तो ये कितना हो जाएगा 120/24 से 5 और 120/30 से हमारे पास कितना हो जाएगा 4। 120/24 से 5 और हमारे पास 120/30 से 4, क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। कौन कौन? ए प्लस बी मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता कितनी, 4। तो 5 और 4 = 9, 9 × 6 तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54। तो ये इसने कितना काम कर दिया, 120 में से 54 काम कर दिया, तो काम कितना बचा हुआ है, 120 में से कितना काम हो गया मेरे भैया, दिस इज 54 हो गया, 120 में से 54 काम हो गया, तो कितना काम बचा हुआ है, तो बोले सर 66 काम बचा हुआ है। टोटल काम कितना है, तो बोले सर टोटल काम मेरे पास कितना है, बोले सर 120 है। तो इस तरीका से मेरे भैया 6 से हमने काट दिया, 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, तो 11/20 बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। तो 11/20 हमारे पास सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हमारे पास सी बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तो 11/20 हमारे पास करेक्ट आंसर। तो एक किसी काम को 24 दिन में और 2/5 काम भी 12 दिन में, तो एक काम कैसे निकालेंगे, तो 5/2, तो ये 2 × 6 = 30, 24 और 30 का एलसीएम 120, 120/24 = 5, 120/30 = 4, तो क्या कर रखा है, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, ए की क्षमता 5 है, बी की 4, तो 9 × 6 = 54 और 120 में से 54 काम कर दिया, तो कितना काम बचा हुआ है हमारे पास, 66, टोटल काम कितना 120, तो हमारे पास 11/120। क्या बात क्लियर हो रही है, यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट तो नहीं है? मुझे अभी भी बता दे कि नहीं मनु शर्मा सर किसी प्रकार का कोई डाउट है, बताइए यहां तक किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मेरे भैया, किसी प्रकार का किसी को डाउट हो तो फटाफट एक बार जल्दी से जल्दी बताइए, यहां तक किसी प्रकार का किसी को डाउट बताइए, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर? अब देखो यहां पर ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी किसी कार्य को मेरे भैया 2/5 = 12 दिन में, तो इस तरीका से हमारे पास मेरे भैया कितना है 24 और 30 का एलसीएम 120। अभी 6 दिन तक साथ में काम कर रहे थे, इसका आंसर बताइए बहुत ही इजी है कि एक निश्चित धनराशि को तीन मित्रों राजीव केवल और अमित, केवल नाम है, 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया, यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक होता तो विभाजित की गई राशि कितनी थी, विभाजित की गई राशि कितनी थी। A certain amount of money was divided among three friends, Rajiv, Keval और Amit. A ratio 2:3:7 किसके अनुपात में, 2:3:7 के अनुपात में. If Amit's share was 15 more than Keval's shares, what was the amount divided? तो ये हमारे पास क्या कह रखा है,
कि अमित का हिस्सा केवल किससे से 15 रुपए अधिक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कब पूछा गया ये हमारे पास मेरे भैया देख रहे हो शिफ्ट सेकंड के अंदर भी आया हुआ है और ये एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है। चलो इसका आंसर जानने से पहले यहां से मैं कुछ बताना चाहता हूं, या तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना या आपको हमारी वेबसाइट पर जाना, किस पर, हमारे पास टेक्स्ट बुक पर, ये टेक्स्ट बुक पर जाना है। जैसे हमारे पास इंडियाज नंबर वन आ जाएगी यहां से किस पर जाना है, सुपर कोचिंग पर जाना है। सुपर कोचिंग पर जाके हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, बोले सर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो हम रेलवे पर जाएंगे और हमारे पास ए एल पी और टेक्नीशियन, ए एल पी और टेक्नीशियन की है। यहां पर सीबीटी वन भी है, सीबीटी टू भी है, प्लस सीबीएटी भी है। इसके साथ साथ गेट फ्री टेक्स्ट बुक पास प्रो भी फ्री में है, टेक्स्ट बुक पास प्रो भी बिल्कुल हमारे पास फ्री में है। जैसे इस पर अप्लाई करेंगे हमारे पास मेरे भैया, तो यहां पर नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, 9140 प्लस वैकेंसीज आई है, फॉर्म फिलिंग हमारे पास 9 मार्च से हो चुके। अब देखना हमारे पास ये देखो मेरे भाई, यहां पर मैं बता रहा हूं कि यहां पर देखो हम एंड्रो नाउ पर जाएंगे जैसे ही, तो यहां पर सबसे पहले देखो हमारे पास ऑफर चल रहा है, देखो 6 महीने के लिए भी है हमारे पास। अब देखो हमारे पास 6 मंथ्स के लिए आरआरबीएल पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 प्लस सीबीएटी 999 रुपए, एक साल के लिए हमारे पास 1499 और हमारे पास डेढ़ साल के लिए मतलब 18 महीने के लिए 1999 रुपए। सबसे पहले अप्लाई कूपन जो ये लगा हुआ है ये नहीं लगाना, लगाना क्या है आपको मेरे भैया, ये लगाना है MGAUTM। जैसे MGAUTM लगाएंगे तो मेरे भाई देखो यहां से, अब जैसे आपको ये लेना 12 महीने वाला तो इस पर क्लिक करना, 18 महीने वाला लेना इस पर क्लिक करना, 6 महीने वाला लेना इस पर क्लिक करना। कंटिन्यू पर जाएंगे, जो आपका नेम है, जो आपका नाम है वो डालेंगे। जैसे मैंने यहां पर डाल दिया मनोज शर्मा, जैसे मैंने यहां पर क्या डाल दिया मेरे भैया मनोज शर्मा, जो भी नंबर है वो यहां पर क्या करेंगे आप डायल करेंगे, जो भी आपको मोबाइल नंबर डालना हो मेरे भैया वो आप यहां पर डायल कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट, तो ये वाला जो हमारा QR कोड है 12 मिनट तक एक्टिव रहता है यहां पर, इसके बाद में UPI QR कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, वॉलेट, बैंक ट्रांसफर, जो भी चाहो, सभी की सभी हमारी बैंक ऑलमोस्ट है, सभी की सभी है, यहां से आप आराम से कर सकते हो। या आप चाहते नहीं सर मुझे तो सर मैं तैयारी कर रही हूं सर किसी और की, तो आपको देखो यहीं पर जाना है टेस्ट, यहां पर सुपर कोचिंग पर। आप कर रहे हो किसकी, बोले सर हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो SSC एग्जाम्स पर जाएंगे, CGL का, यहां पर हमारे पास SSC सुपर पैक, यहां पर 7 हमारे एग्जाम्स कवर है, यहां इस पर आ जाएंगे, SSC CPO पर आ जाएंगे, सिलेक्शन पोस्ट, यहां पर SSC रेलवे बैंकिंग, आप इन तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो इस कॉम्बो को ले सकते हैं। आप यहां पर अप्लाई कूपन कोड हर जगह, ये CHSL का है, आपको कूपन कोड MGAUTM ही लगाना है। क्या लगाना है, MGAUTM लगाना है, ये आपका, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है यहां पर, पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। यहां पर रेलवे पर जाएंगे, ये देखो हमारे पास यहां पर मेरे भैया NTPC के यहां पर हमारे पास मॉक आ चुके हैं फुल, देखो यहां पर आपको इतने मॉक लगा दी जाएंगे क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, टेक्स्ट बुक पास प्रो फ्री में मिल रहा है। यहां पर CBT1 CBT2 प्लस CBAT मतलब पूरी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। यहां पर आपके लिए मेरे भाई एंड नाउ पर जाना है, अप्लाई कूपन जो करना है, कूपन कोड क्या लगाना है, MGAUTM लगाना है, क्या लगाना है, MGAUTM लगाना है, MGAUTM। ये जैसे ही कूपन कोड लगाएंगे अप्लाई, तो कितने का है, एक साल वाला चाहिए, एक साल वाले पर गए, कंटिन्यू पर गए, जो आपका नेम है मेरे भाई, यहां पर मैं आपको बता दूं इतनी टेस्ट सीरीज है कि आप मेरे भैया लगाते लगाते परेशान हो जाओगे। और देखो अगले साल भी वैकेंसीज आ रही है, आप इस साल वैकेंसीज में नंबर डाल लो, अगले साल अपने छोटे भाई बहनों को दे दो, समझ रहे हो, आप अगले साल छोटे भाई बहनों को, यहीं पर मेरे भैया पढ़ते रहेंगे वो, तो आप इससे कर सकते हो। आपको कूपन कोड क्या लगाना है, तो आपको कूपन कोड लगाना है MGAUTM। ये आपको मेरे भैया क्या करना है, कोड लगाना है। 10 बजे मेरी डेली सुबह सुबह क्लास चलती है, तो सुबह सुबह 10 बजे मेरे साथ डेली जुड़ेंगे, सुबह की चाय की चुस्की मनोज शर्मा सर के साथ। ये मॉर्निंग मेरे भैया कितने बजे, मॉर्निंग हमारे पास 10 AM। और आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। MGAUTM ये आपको कूपन कोड लगाना है, MGAUTM कूपन कोड लगाना है। और मेरे भैया दुनिया आपकी सक्सेस देखती है, आज तुमने कितनी मेहनत करी है इसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुम्हारी सक्सेस दुनिया देखेगी कि आपने मेहनत कितनी करी, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपने मेरे भैया रेलवे, आपके साथ बता दूं गोल्डन ईयर है, सुनहरा अवसर है, रेलवे अभी तक पता है कि 3-4 साल से चुपचाप बैठा था, लेकिन अब वो आपके लिए वक्त है, वो आपके पास मौका है पढ़ने का, कर कुछ है दिखाने का। तो जिंदगी मौके, देखो भगवान ऊपर उतर के नहीं आता है, भगवान किसी ना किसी रूप में अवसर देता है। देखो भगवान हर किसी को एक बार समझने का मौका जरूर देता है,
लेकिन उस मौके को तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो ये आप पर डिपेंड है। या तो वक्त रहते आप समझ जाओ, नहीं तो वक्त ऐसे समझाएगा कि समझे से नहीं समझ पाओगे। तो आज का सेशन कैसा लगा तो एक बार ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे, और हो सकता है मैं कल आपके लिए चैप्टर लेके आऊं। कौन सा चैप्टर कल पढ़ाना है मैं अभी चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे एक बार ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे हम आपके साथ कल, मुलाकात करेंगे सुबह 10 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं मेरे भैया कल सुबह 10 बजे।